सभी स्टूडेंट्स को बता देता हूँ कि आपके गेयू के कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी के पेपर है वो अब होंगे, उनका रोल नंबर वेबसाइट पे आ गया है और उनकी डेट शीट भी आ गई है, किसी ने चेक कर लिया? जी हाँ, मैंने देखा था और सुना भी था, लेकिन मेरा रोल नंबर नहीं निकला, आप बताएं कैसे निकलेगा? सर मुझे पूरा बताएं कि पेपर है वो घर पर बैठे कैसे दे सकते हैं, कैसे हमको पेपर लिखना है और क्या क्या इंटरेक्शन है, मुझे पूरी जानकारी आप मेरे साथ शेयर करें। आप YouTube चैनल नहीं चलाते, डार्कन इंडिया चैनल है, उस पे सारी जानकारी आ गई है, वहाँ से आप देख लीजिएगा और उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डार्कन इंडिया में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी के जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो रहे हैं उसके बारे में हमारा आज का वीडियो है। तो दोस्तों आपको बता देता हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिएगा लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की न्यूज़ और एडमिशन न्यूज़ और एग्जाम की डेट के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट है dakaniya.com, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा, इस पर आपको विजिट करना है। इस पर आपको सबसे पहली पोस्ट मिलेगी कुरुक्षेत्रा एग्जाम से रिलेटेड, तो इसमें दिया गया है दोस्तों कुरुक्षेत्रा एग्जाम 2020 इंपॉर्टेंट न्यूज़ और इसके अंदर रोल नंबर डाउनलोड करने का और आप घर पर बैठे कैसे पेपर देंगे, आपको कौन से पेज पे पेपर लिखना है, कहाँ पे आपको साइन करने है, पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस भी है इस एग्जाम को लेकर के, हिंदी के अंदर और इंग्लिश के अंदर दोनों प्रकार से जानकारी दी गई है और ये लिंक आपके सामने दिखाया गया है, ये लिंक कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी का है जहाँ से आप रोल नंबर डाउनलोड करेंगे। तो उनकी वेबसाइट पे भी हम विजिट करेंगे। पहले आपको परीक्षा के लिए दिशा निर्देश है वो मैं बता देता हूँ, सितंबर 2020 की ये परीक्षा है। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है इसका लिंक भी आपको हमारी वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से विजिट कर लीजिएगा। आपको ये कॉलम दिखाई देगा इसके साइड के अंदर जहाँ पे दिया है एग्जामिनेशन और रोल नंबर, आपको इस पर क्लिक करना है। नया कॉलम आया है दोस्तों, क्योंकि अभी से जो ये वेबसाइट है तैयार की गई है, पोर्टल तैयार हुआ है एडमिट कार्ड को निकालने के लिए, तो आपके सामने इस प्रकार का लिंक दिखाई देगा जिस पे आपको विजिट करना है। जैसे ही दोस्तों आप इस लिंक पे विजिट करेंगे आपके सामने इस प्रकार से दिखाई देगा कि अपनी कक्षा का चयन करना है आपको और उसके बाद में जो सबमिट बटन है उस पर क्लिक करना है और आपका जो नाम है वो सर्च करेंगे तो आपके पिताजी का माता का नाम सामने दिखाई देगा, उसको प्रिंट कर लेना है। यह है एडमिट कार्ड निकालने का प्रोसेस। जैसे दोस्तों यहाँ से आपने कोई भी परीक्षा ले लीजिए, इसके अंदर अगर आपने एग्जाम दे रहे हैं और इसके अंदर आपको अपना नाम लिखना है, नाम के कोई भी तीन अक्षर है वो भी लिख सकते हैं आप या कंप्लीट नाम है आपको, तो आपको जो कंप्लीट नाम लिख के इसको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो अगर आपका जो डाटा है वो हम पे मैच होगा उसमें काफ़ी सारे नाम्स आपके दिखाई देंगे जहाँ से आप जो है यहाँ से एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से कोई भी एक परीक्षा उठा लेते हैं, इसके अंदर प्राइवेट कैंडिडेट और रेगुलर कैंडिडेट दोनों के लिए है दोस्तों ये एडमिट कार्ड निकालने का प्रोसेस, सभी के लिए है। तो जैसे यहाँ से एमए पॉलिटिकल साइंस का यहाँ पे दिया है तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका और इसके बाद में सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से आपका अनुक्रमांक, रोल नंबर, नाम, पिता का नाम और माता का नाम शो होगा और यहाँ पे छाप जो दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो प्रिंट हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। इस प्रकार से आप अपना रोल नंबर है वो डाउनलोड कर सकते हैं। रोल नंबर में भी आपको इंट्रैक्शन दे मिलेगी, लेकिन मैं उनकी वेबसाइट पे जो इंट्रैक्शन दी गई है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे निर्देश पे क्लिक करेंगे तो ये इंट्रैक्शन दी गई है एग्जाम के लिए। यहाँ पे जनरल इंट्रैक्शन है फॉर रेगुलर स्टूडेंट के लिए इंग्लिश में दी गई है, हमारी वेबसाइट पर विजिट करोगे वहाँ पर आपको जो है ये हिंदी के अंदर मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर दिया है कि आपको जो है रेगुलर के लिए और ओपन कैंडिडेट के लिए ये दे रखी है, यहाँ पे ओपन कैंडिडेट है उनके लिए, प्राइवेट कैंडिडेट के लिए, तो आप यहाँ से विजिट कर सकते हैं। इसके ऊपर जो दे रखा है कि आपको जो प्लेन पेपर है उस पर सारी जानकारी आपके साथ बताई देता हूँ एग्जाम के बारे में भी। तो दोस्तों यहाँ पे इंस्ट्रक्शन के अंदर दिया गया है कि कैंडिडेट को पहले जो है एग्जाम की डेट है वो चेक कर लेनी है, डेट शीट चेक कर लेनी है कि आपका एग्जाम है वो कब होगा। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है कि यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम पेपर होंगे वो कंपार्टमेंट वालों के और फुल पेपर है जो कि फ्रेश कैंडिडेट है उनके होंगे। अगर आपने एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड हो गया है तो उस पर फोटो लगाने का एक कॉलम दिया गया है, वहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो लगानी है। कैंडिडेट को अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड है जो इनकी कुरुक्षेत्रा की जो वेबसाइट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपको डाउनलोड करना है। इसके बाद में डाउनलोड करने के बाद में जो क्वेश्चन पेपर है, जो डेट शीट के अंदर समय और टाइम दिया गया है इवनिंग और मॉर्निंग का, उनके अनुसार जो पेपर है ये इस लिंक पर डाले जाएंगे, ऑनलाइन पेपर kuk.nic.in पे। इस पर आपको जो है जिस दिन आपका पेपर है, जिस समय आपका पेपर है, उस समय आपको KUK की वो वेबसाइट पे ये लिंक
ओपन करना है। यहाँ पे आपको जो है पेपर मिल जाएगा, उस पेपर को डाउनलोड करना है और जो सिंपल A4 साइज का पेपर है उसके ऊपर आपको जो है उसमें पर्सन लिखने हैं। पर्सन जो है आपको इसमें और अथवा वाले भी दिए जाएंगे तो उसके अनुसार ही आपको लिखना है। यहाँ पे दिया द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 50% पेपर बाई चूजिंग एनी क्वेश्चन, यानी आपको जितने क्वेश्चन दिए जाएंगे उनमें से 50% के ही आपको अपनी मर्जी के क्वेश्चन है वो चूज करने हैं और उनके आंसर है वो लिखने हैं। A4 साइज पे आपको जो है पूरा का पूरा पेपर लिखना है। दोस्तों A4 साइज जो हमारा जो फोटो स्टेट करवाते हैं वो पेपर का साइज होता है, नॉर्मल A4 साइज होता है, उस पर अपनी हैंड राइटिंग के द्वारा आपको खुद लिखना है। और उनके जो है 20 से ज़्यादा पेपर है जो आप यूज नहीं कर सकते, 20 पेपरों के अंदर अंदर ही आपका पेपर है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। और आपको क्वेश्चन नंबर है वो अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन नंबर सीरियल के अनुसार ही उसके अंदर लिखना है और उनका आंसर भी उसके नीचे सीरियल के अनुसार ही लिखना है और साफ साफ शब्दों में लिखना है। आपका रोल नंबर जो है आपको उसके जो आप प्रश्न पत्र पे जो पेज पे उत्तर लिख रहे हैं उसके ऊपर आपको क्वेश्चन उसके बाद में उसका आंसर लिखना है और उसके ऊपर ही ऊपर टॉप के अंदर आपको अपना रोल नंबर और पेपर कोड और आपका लास्ट में सिग्नेचर पेपर पे होना चाहिए। हर एक जो पेज है उसके ऊपर नीचे आपका सिग्नेचर होना चाहिए, ऊपर आपका रोल नंबर और आपके पेपर का कोड होना चाहिए। और जो आपका एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड किया है ये आपको PDF फाइल के सबसे ऊपर लगाना है और सारे जो आपने जितने भी सीट भरी है जितने भी आपने पर्सन लिखे हैं उनको जो है एक PDF फाइल बनाना है और उनकी जो बोर्ड की वेबसाइट है वहाँ पे आपको मेल के द्वारा ये अपलोड कर देना है। और भी जानकारी इससे रिलेटेड कोई मुझे मिलेगी तो आप सभी दोस्तों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो पहले दोस्तों आपको बता दिया है इस प्रकार का आपका एग्ज़ाम होगा जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और यहाँ पे मेल आईडी दे रखी है, इसके ऊपर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इसी पे आपको जो है पेपर भेजने होंगे। किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। हमारी वेबसाइट पे विजिट कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश में अच्छी सी जानकारी मिल जाएगी।